आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें कभी भी कुछ हो सकता है। भाजपा केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वह शुरू से कह रहे हैं कि वह मिठाई खा रहे हैं और अपना शुगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि उन्होंने अपना खाना कम कर दिया है। कोई ऐसा क्यों करेगा जिसके कारण उनके जीवन को खतरा पैदा हो जाए। उन्होंने कहा यह केजरीवाल को मारने की साजिश है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष ने फिर आरोपों को दोहराते हुए कहा केजरीवाल जानबूझकर अपना वजन कम कर रहे हैं, और बीजेपी ने आगे कहा कोर्ट के आदेश पर घर से बना हुआ खाना अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है, लेकिन वो जानबूझकर कोताही कर डाइट को कम कर रहे हैं ताकि वजन कम हो सके और कोर्ट को दिखा सके कि यह देखो तिहाड़ जेल में मेरे साथ क्या हो रहा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह साजिश बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। आप मास्टरमाइंड अपराधी हैं। आपका पूरा इकोसिस्टम ही आपके लिए शोर मचाता है। मुख्यमंत्री ही सबके सूत्रधार हैं। उन्होंने दिल्ली को ही नहीं छोड़ा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हवा में जो जहर फैला है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। दिल्ली की पानी में जो जहर उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और आप गवर्नेंस की बात करते हैं, आपकी गवर्नेंस पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चल रही है। आपकी सरकार ने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।